हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अपना सपना में। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके सपनों का हल लेके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल अपना सपना में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल अपना सपना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सपनों का मतलब पता चल सके। तो दोस्तों, आज हम सपने के विषय में बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में कुत्ते को मारते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके आने वाले जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, सोने के बाद हम कई प्रकार के सपने देखते हैं, कुछ अच्छे, बुरे, कुछ डरावने सपने देखते हैं जिन्हें देखने के बाद हम डर जाते हैं और सुबह उठने के बाद उस सपने के बारे में व्याख्या करते हैं, उस सपने के बारे में सोचते हैं कि आखिर जो सपने आते हैं क्यों आते हैं और इन सपनों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सपने को लेकर स्वप्न शास्त्र का मानना होता है कि जो भी सपने हम रात को सोने के बाद देखते हैं वह सपने हमारी भूतकाल की घटी घटनाएं एवं भविष्य में होने वाली घटनाएं को स्वप्न फल के द्वारा दर्शाती है। कुछ सपने में शुभ संकेत देती है, वहीं कुछ सपने में अशुभ संकेत देती है। और ऐसा ही माना गया है सपने में कुत्ते को मारते हुए देखना। दोस्तों, सपने में कुत्ते को मारते हुए देखना यह एक बेहद अशुभ और एक बुरा स्वप्न माना गया है। माना जाता है कि अगर आप सपने में कुत्ते को मारते हुए देखते हैं तो आने वाले समय में आप अपना भाग्य खुद ही बिगाड़ सकते हैं एवं यह भी माना जाता है कि आप अपने आप को खुद को आप एक बड़े संकट में डाल सकते हैं, ऐसा संकेत करती है अगर आप सपने में कुत्ते को मारते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के सपने में कुत्ते को मारते हुए देखना यह एक अशुभ और एक बुरा स्वप्न माना गया है। वहीं स्वप्न शास्त्र कहता है कि जब भी हमें ऐसे अशुभ और बुरे स्वप्न दिखाई दे तो सुबह उठने के बाद ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का पाठ जाप करें जिससे आपके बुरे स्वप्न टलने की शंकाएँ बढ़ती है। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।